तो मुसलमानों के बारे में मान्यता ही आपकी बदल जाएगी। जो मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर। अच्छा, जो मुसलमान तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, देखना किस तरह से एक मुस्लिम भाई ने इस्लाम के बारे में कितनी अच्छी बात की है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक जो वाक्य है उसने कुरान को कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया। वीडियो को पूरा जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना। गुरु जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप जिस दिन कुरान के हिंदी वर्जन को पढ़ लेंगे तो मुसलमानों के बारे में मान्यता ही आपकी बदल जाएगी। जो मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर। अच्छा, जो मुसलमान ही नहीं जो दिखता है। फिर मुसलमान तो वो है जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता। वाह, ईश्वर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर पढ़ा, कुरान के अंदर बताया है कि पड़ोसी नाराज में नाराज, डायरेक्ट उसने कह दिया सर। कुरान की एक आयत में है कि तेरा पड़ोसी नाराज में नाराज जी, अगर इस बीच अगर तेरा पड़ोसी नाराज है तो तू तेरे द्वारा किया गया पूजा पाठ वो मैं कबूल नहीं करूंगा, तेरे सर से ऊपर नहीं उठाऊंगा। मतलब मानव जाति की सेवा सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी कुरान में ये आइडेंटिटी है। जी जी, कुरान फिर क्या, फिर ये बकरों की बलि। इब्राहिम सलाम ने जब ईश्वर ने शैतान ने उनको भड़काया जी, तो ईश्वर ने कहा कि मेरा सच्चा बंदा होगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा जी। शैतान से कहा मुझे नहीं छोड़ेगा ये जी जी, आप उसके लिए बेफिक्र रहो, मेरा सच्चा बंदा है, मेरी इबादत करेगा जी। फिर उनको औलाद पैदा होती है। हाँ। इंसानी कल्ब के अनुसार स्वार्थी होता है इंसान जी, जैसी औलाद पैदा हुई तो वो ईश्वर की आराधना में थोड़ा लापरवाही करने लगा, भूल जाता है, भूल जाता है, क्योंकि 60 साल की उम्र में जिसको बच्चा पैदा हो जी कितनी खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें लापरवाही कर दी। शैतान ने जाकर ईश्वर से कहा कि ये ईश्वर देखा मैंने तुझसे कहा था इसको मत दे, लेकिन ईश्वर कहते नहीं नहीं मेरा सच्चा बंदा है वो आज है आजकल आ जाएगा वापस जी, तू नहीं नहीं आएगा तो उनके देख आएगा वापस। तो ईश्वर ने आप इब्राहिम सलातुल्लाह को ख्वाब में जो है एक बशारत दी कि ए इब्राहिम कुर्बानी, कुर्बानी शब्द कहे, तो इब्राहिम सलातुल्लाह ने उस वक्त के हिसाब से 100 ऊंटों को जुबा कर दिया, कुर्बान कर दिया, 100 ऊंटों को कुर्बान कर दिया। अल्लाह की तरफ से कुर्बानी, कुर्बानी का मतलब होता है अपने लिए किसी चीज का त्याग कर देना। कुर्बानी का मतलब ये नहीं जानवर को काट देना, अपने लिए त्याग कर देना किसी चीज का, उसका नाम कुर्बानी, अपनी बुराइयों का त्याग कर देना। तो फिर इसके बाद ऐसे करके 3 दिन तक उनको ख्वाब आए। फिर उन्होंने चौथे दिन अल्लाह ताला से कहा अल्लाह ऐसा क्या मामला है कि इतनी कुर्बानी देने के बाद तू मुझसे नाराज, मतलब नाराज है, मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं कर रहा। तो अल्लाह ताला ने कि इधर से दूसरे चौथे दिन उनको बशारत हुई कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिससे तू मोहब्बत करता है उसकी कुर्बानी। अच्छा, तो अब उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कहा कि अल्लाह की तरफ से ऐसा आया है कि कुर्बानी मांग रहे। फिर अल्लाह ताला ने उसकी बीवी ने समझाया, आपकी बीवी ने समझाया कि आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, तो लगे मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसी की कुर्बानी मांग रहे हैं। अच्छा, ईश्वर उनसे कुर्बानी मांग रहे हैं जी जी। तो फिर आगे ये होता है कि ये बात दोनों मियां बीवी करते हैं तो इस्माइल सलातुल्लाह जो रहते हैं वो सुनते रहते हैं। 5 साल की उम्र होती है उनकी जी, 5 साल का बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है ठीक, और आप तो नबी थे इस्माइल सलातुल्लाह जी जी। तो ये बीवी से कहते हैं कि इसको नहला धुला के कंप्लीट करना और इस एक रस्सी कपड़ा और छुरी मेरे झोले में रख देना, इनको नहला धुला के मैं घर में कुर्बानी करूंगा तो ये रोएगा गड़गड़ा के, तुम्हारे भी आंसू बहेंगे, इसको मैं जंगल में ले जाकर कुर्बान करूंगा इसको मैं जी जी। तब इब्राहिम सलातुल्लाह इस्माइल सलातुल्लाह को सुबह देखते हैं, उठ के देखते हैं तो इस्माइल सलातुल्लाह पहले से तैयार है जी, उनको हो जाता है जल्दी नींद खुल गई होगी इसलिए जो है खुल गई इनकी जी। जब आगे जब उनको जंगल में लेके जाते हैं, जब जंगल में लेके जाते हैं जब उनके हाथ पैर बांधने लगते हैं तो इब्राहिम इस्माइल सलातुल्लाह ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अब्बा जान आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध दो जी, क्योंकि ईश्वर ने यानी अल्लाह ने एक उनके ऊपर शर्त रखी थी जी, इब्राहिम अगर तू अपनी औलाद की कुर्बानी देगा तो तेरी आंखों से आंसू का अगर कतरा भी गिर गया तो मैं तेरी कुर्बानी को कबूल नहीं करूंगा। अब बताइए सर जी जी, एक तो शर्त लगा दी बेटी की कुर्बानी की और आंसू की, उसमें फिर आगे जाके जब वो पट्टी बांधते हैं, हाँ? पट्टी बांधने के बाद में उनको ऊपर जब छुरी फेरते हैं जी, जब छुरी फेरते हैं तो छुरी चलना बंद हो जाती है। अच्छा, क्योंकि छुरी भी दुनिया के अंदर ईश्वर की मोहताज है, दुनिया के अंदर कोई भी मैं आप दुनिया की हर चीज ईश्वर की मोहताज है ठीक है। ईश्वर जब तक किसी चीज को आदेश नहीं देगा उसकी हिम्मत नहीं कि वो उस पर किसी चीज पे चल जाए जी जी। फिर जब वो जबरदस्ती फेरते हैं तो मैं की आवाज आती है सर, ऐसा किताबों के अंदर लिखा है जी जी, मैं की आवाज आती है। तो देखते हैं कि मेरे बेटे के अंदर से मैं यानी घमंड अभिमान, कुरान का मैं अगर लिखा मैं का मतलब होता है घमंड जी, तो मेरे बच्चे के अंदर से मैं की आवाज आई जी। तो वो जब कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं एक जो है भेड़ का बच्चा है जो नीचे पड़ा हुआ है और इस्माइल सलातुल्लाह दूर खड़े हैं। अच्छा, सिर्फ ईश्वर की परीक्षा थी वो जी, मकसद था सिर्फ परीक्षा लेना, परीक्षा लेना। अब वो पूछते हैं इस्माइल अल्लाह से पूछते हैं अल्लाह आपने एक तो ये कटवा दिया, हाँ? आपने परीक्षा लिया जानवर का क्या करना है। तब उन्होंने ये कहा था कि इसके 3 हिस्से करो, एक आप खाओ, एक पड़ोसी में बांटो और एक गरीबों को दो। फिर उन्होंने कहा कि ये वाली जो चीज है कुर्बानी यानी ईश्वर की तरफ से दी गई हर चीज की कुर्बानी मुसलमान के लिए जायज है, तो उसकी इस चीज को उस घटना को याद करने के लिए लोग बकरा ईद पे कुर्बानी करते हैं। बकरा खाना मकसद नहीं है, हाँ। या बकरा काटना मकसद नहीं है जी। मकसद है सर सिर्फ उस चीज को याद करना कि बाप ने अपने बेटे की कुर्बानी सिर्फ ईश्वर के कहने पे दी, ये मकसद है सर।